जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप प्यार और सपोर्ट जो प्रदान कर रहे हैं उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई आप परेशानी से गुजर रहे हैं, कोई तकलीफ है या कोई भी प्रकार की जितनी भी प्रकार की परेशानी से अगर गुजर रहे हैं और आपको एक सकारात्मक और एक सही और सच्ची राय चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। दोस्तों, उसका शुल्क लागू, उसका फीस है, नॉमिनल फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। तो हम इस वीडियो को बात जो करने वाले हैं कि यह लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं और ये लोग आपके आसपास हैं, ये इनसे खासकर आपको सावधान रहना चाहिए और ये जो है जीवन में कई सारी तकलीफ़ों के लिए आपके शायद बहुत बड़ी वजह होती है। क्योंकि मैं बहुत सारे जातकों से बात करता हूँ, उसमें ये चार लोग कहीं ना कहीं मुझे ओपनली तौर पर एक बाहर निकल के आए हैं कि जो वाकई में सभी को तकलीफें देते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा चर्चा की ओर हम आगे ले जाएं, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आपको नहीं जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए करें ताकि आपको हमेशा आपके बारे में, आपके जीवन की सकारात्मकता के लिए आपको सकारात्मक राय हमेशा मिलती रहे। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी तक तो लाइक करें, कमेंट्स में हर हर महादेव, जय शिव शंभु लिखें और ज़रूर लिखें कि आपको क्यों लगता है कि कोई व्यक्ति हमें किस विषय को लेकर बर्बाद कर सकता है, वो भी आप कमेंट्स में लिखें। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, या व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस लागू है दोस्तों, नॉमिनल फीस है। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात कि वो लोग आपको बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं जो लोग आपके मुंह पर कुछ और है और पीठ के पीछे और कुछ कहते हैं। और अब यहाँ से ये बात को और गंभीरता से समझना कि ये जो लोग हैं, आप इनका सिलेक्शन और चुनाव जो कह सकता हूँ, इन्हें पकड़ना बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। आप किसी के बारे में अपनी एक राय रखते हैं, राय रखने से मतलब है कि जो हुआ हो, कोई घटना हुई हो या कोई बात हुई हो, आप सही गलत का कुछ आप एक सजेशन दे रहे हैं, तो ये अपनी तरफ से नमक मिर्ची मिलाकर सामने वाले को प्रदर्शित कर देते हैं और हम दोनों के बीच तनातनी और मनमुटाव बना देते हैं। और यही लोग कई बार एक अच्छे व्यक्ति की भी खराब छवि बना देते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, और ये लोग हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं। इसलिए जो भी शब्द बोले और जो व्यक्ति अगर आपके सामने किसी व्यक्ति की बुराई कर रहा है, तो आप समझ जाएगा कि ये हमारी भी बुराई किसी के सामने जरूर करेगा, क्योंकि इनके मन में कोई बात टिकने वाली नहीं है। और यही लोग एक अच्छे खासे संबंधों को ख़राब कर सकते हैं, यही लोग हमें बड़ी बड़ी परेशानियों में डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरे वो लोग जो आपको बर्बादी की ओर ले जा सकते, जिनका चरित्र सही नहीं है, जो चरित्र के बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि चरित्र जीवन का सबसे बड़ा धन होता है दोस्तों। चरित्र में ये होता है लोगों का सम्मान करना, सच के साथ रहना और कई सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका चरित्र खराब होता है, पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किनका चरित्र सही है, खराब है। हमें जीवन की प्रैक्टिकल चीज़ों में चीज़ें बहुत सी ऐसी जो हमारी आँखों से देखा हो, न कि कानों से सुना हो, ये बात याद रखना, आँखों से देखा हो, तो वो जो चीज़ें अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ होती है। तो चरित्र बहुत बड़ी हमारे लिए एक चीज़ होती है। तीसरे वो लोग जो नशा या व्यसन करते हैं, वो लोग आपको बर्बादी की ओर धकेल सकते हैं, इसलिए नशा और व्यसन करने वाले लोगों से आप हमेशा दूर रहें दोस्तों। तो अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें।